आई एम पंकज सूरी, फाउंडर एंड ओनर ऑफ फ्लूइड फिटनेस। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में ये रिसर्च, मार्केट रिसर्च और जिम इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ जिम मॉडल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिप्रिसिएशन, इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है। तो ये सारे टॉपिक्स बेसिकली रिसर्च और जिम खोलने के पहले के टॉपिक्स हैं। अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है ऑपरेशंस की सीरीज। तो जिम ऑपरेशंस एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है और जिम ऑपरेशंस बहुत ही माइन्यूटली चेक करने पड़ते हैं, डिटेल में सीखने पड़ते हैं, ताकि ये जो बिजनेस है ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाए और आप इस बिजनेस में बहुत लंबे टाइम तक बने रहें। तो आज ये जो सीरीज है इसका हम पहला वीडियो बना रहे हैं। तो ऑपरेशंस में जो सबसे मेजर और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज जो फेस करते हैं जिम ओनर्स और जिम स्टाफ, वो ये है कि इंक्वायरीज को कन्वर्ट कैसे करें। तो इंक्वायरी जब जिम में आती है तो उसको हमने तीन पोर्शन में डिवाइड किया है। बेसिकली एक हो गया परसीव्ड वैल्यू, कि इंक्वायरी उस समय क्या सोच रही है और इंक्वायरी की इंफॉर्मेशन क्या है, ये पहला पॉइंट है, इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आप इंक्वायरी को जिम टूर जो है या अपने जिम की जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे कराते हैं, ये दूसरा पॉइंट है। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इंक्वायरी का आप फॉलोअप कैसे करेंगे। तो पहला पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। तो ये है इंक्वायरी का परसीव वैल्यू या परसेप्शन क्या है। तो जो परसेप्शन है उसकी इंफॉर्मेशन है वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपके जिम में इंक्वायरी आई, तो जो सबसे पहला सवाल है वो इंक्वायरी का हमेशा ये होता है कि जिम का प्राइस क्या है। बहुत से लोग आप में से ये चीज को कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि जिम में जब इंक्वायरी आती है तो वो एक ही सवाल पूछती है, जिम का प्राइस क्या है। तो इसका सवाल का जवाब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कभी नहीं देना है। इसमें आपको अपने जिम का एक इंक्वायरी फॉर्म रखना है जिसमें आप एक बेसिक क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को लेंगे, जो कि इंफॉर्मेशन क्लाइंट का नाम, क्लाइंट का मोबाइल नंबर और क्लाइंट के एक बेसिक कितने टाइम का पैकेज के लिए वो इंटरेस्टेड है ड्यूरेशन, और क्लाइंट की कोई इंजरी है या कोई गोल है डेफिनेट। तो जैसे गोल है उसमें आप तीन चार चीजों में डाल सकते हैं कि वेट लॉस है, वेट गेन है, लाइफ स्टाइल मेंटेनेंस है या फिर मसल बिल्डिंग है। और दूसरे में इंजरी वाले में आप ये पूछेंगे कि उनको कोई बैक रिलेटेड इंजरी है या आपको उनको कोई डिजीज जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस है या कोई स्पेसिफिक डॉक्टर ने उनको एक्सरसाइजेस से मना किया है, तो उसके बारे में आप नोट करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन इसलिए भी जरूरी होती है कि आप इन इंफॉर्मेशन के बेस पे क्लाइंट से उसके गोल्स के बारे में भी पूछेंगे। तो ये आपने इंफॉर्मेशन क्लाइंट से अभी अपने इंफॉर्मेशन इंक्वायरी फॉर्म में भरवाया, और आपने क्लाइंट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि क्लाइंट का गोल क्या है। तो हमने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि क्लाइंट्स के कोई गोल नहीं होते जब वो जिम ज्वाइन करने आते हैं। गोल ना होने की वजह से क्लाइंट का जिम से वो एक लगाव नहीं बन पाता या जिम से उनका एक अट्रैक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि जिम में उनका कोई एक टारगेट नहीं होता। तो इंक्वायरी लेते टाइम फ्रंट डेस्क का या जिम के टूर के टाइम पे ट्रेनर का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होना चाहिए कि वो इंक्वायरी का जो गोल है वो गोल सेटिंग एक हल्का सा उनके दिमाग में डाल दें, जिससे कि इंक्वायरी थोड़ा मोटिवेटेड हो और जिम ज्वाइन करने में पहल करे। तो गोल कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों का वेट लॉस एक गोल होता है, तो वेट लॉस का केवल गोल बोलना पूरा नहीं है। आप उसमें एक गोल में एक नंबर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप उन्हें 5 किलो, 10 किलो ऐसा कुछ एक टारगेट दे सकते हैं, ताकि उनको थोड़ा मोटिवेशन वो नंबर को अपने दिमाग में डाल के अपने आप को परसीव करें कि हाँ मैं पतला हो जाऊंगा या मैं पतली हो जाऊंगी तो कैसी दिखूंगी। दूसरा है टाइमलाइन, आपको उनको एक टाइम भी देना पड़ेगा, क्योंकि गोल बिना टाइम के तो कोई रेलिवेंट नहीं होता। तो जैसे आपने उनको 3 महीने या 5 महीने का एक रियलिस्टिक टाइम दे दिया, तो उनके दिमाग में ये आ जाएगा कि हाँ मेरे को 5 महीने में यहाँ तक पहुंचना है या मेरे को 3 महीने में यहाँ तक पहुंचना है। तो उससे क्या है कि वो अपना जिम ज्वाइन करने को थोड़ा सा फास्ट, इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर लेंगे। और बाकी आप जब ये दोनों चीजें उनसे पूछ लेंगे तो थोड़ा सा आप उनसे उनकी लिमिटेशंस भी पूछेंगे। जैसे कई क्लाइंट्स वर्किंग होते हैं तो वो ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते, तो उनके पास केवल आधा या 1 घंटा होता है, या फिर कई क्लाइंट्स हफ्ते में 3 ही बार आ सकते हैं। तो आपने ये चीज उनको पहले ही अकोमोडेट करना है, क्योंकि अगर आप इस चीज को पहले ही रियलाइज नहीं करेंगे
और उनको इसका सोल्यूशन नहीं देंगे, तो क्लाइंट्स इनकी वजह से कई बार जिम ज्वाइन करने से हिचकिचाते हैं और फिर जिम में मेंबरशिप नहीं लेते हैं। तो आपने अगर उनसे ये पूछ लिया कि सर अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी आओगे तो ये चलेगा, तो हम आपका प्लान उसके अकॉर्डिंगली ही बना देंगे, या फिर अगर आपके पास 1 ही घंटा है तो हम आपका प्लान ऐसा बना देंगे कि 1 घंटे में आप पूरा वर्कआउट कंप्लीट कर पाएंगे, तो क्लाइंट को ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन पहले ही मिल जाता है, तो जिम ज्वाइन करने में जो एक और उनकी अड़चन होती है वो दूर हो जाती है। अब हम दूसरे पॉइंट में आते हैं कि जब क्लाइंट जिम टूर करने ले जाते हैं तो क्लाइंटों को कैसे जिम के बारे में बताया जाए। तो जैसे क्लाइंट की आपने इंफॉर्मेशन ले ली, क्लाइंट से थोड़ी सी बातचीत कर ली, गोल सेटिंग हो गया, टाइमलाइन और लिमिटेशंस डिसाइड हो गया, उसके बाद आप क्लाइंट को अपने जिम के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी ब्रांच के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और फिर आप उनको एक बार जिम टूर के लिए लेके जाएंगे। तो जिम टूर के दौरान आप क्लाइंट को अपने 2 चीजों की क्वालिटीज के बारे में एकदम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। एक हो गया आपका इंटीरियर्स और इक्विपमेंट और दूसरा हो गया आपका स्टाफ की नॉलेज और एक्सपीरियंस। तो जब आप उनको जिम दिखा रहे होंगे तो आपको उनको अपने सीनियर ट्रेनर या फ्लोर पे जो भी अवेलेबल ट्रेनर है उससे बात जरूर करानी चाहिए और उनको ढंग से ग्रीट करवा के, उनकी बात करवा के आपको ये भी एश्योरेंस देना होगा कि हाँ उनका ख्याल रखा जाएगा, उनका जो गोल अभी आपने थोड़ा सा सेट किया है उस गोल का कंफर्मेशन भी अपने स्टाफ से उनको दिलवाया जाए। तो इससे क्लाइंट को थोड़ा और कंफर्ट जोन मिलता है और क्लाइंट थोड़ा सा जिम से थोड़ा सा रूबरू हो जाता है, तो उनको थोड़ा सा कंफर्ट जोन की वजह से उनको अपनापन सा महसूस होने लग जाता है। अब जब आपने ये दोनों जिम टूर और उनका इंफॉर्मेशन ले लिया है, उनके साथ गोल सेटिंग कर लिया है, तो तीसरी जो चीज है जो कि काफी जगह पे हम लोग चूक जाते हैं वो है फॉलोअप्स। आपने क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट अभी जिम ज्वाइन करने के प्रोसेस में है तो वो और भी जिम सर्च कर रहा है और क्लाइंट अभी 100% श्योर भी नहीं है कि उसे जिम ज्वाइन करना भी है कि नहीं है, तो ये दोनों प्रोसेस के लिए आप क्लाइंट को उस समय पुश करके सेल्स करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उस समय क्लाइंट उस माइंडसेट से बहुत बार नहीं भी आते हैं। तो अगर क्लाइंट उस समय जाना चाह रहा है तो आप उन्हें जाने दीजिए, बट आप क्लाइंट का जो आपने इंफॉर्मेशन लिया है उसके बेसिस पे क्लाइंट को कम से कम 3-4 फॉलोअप जरूर कीजिए। बहुत सारी MNC कंपनीज आपने देखी होंगी जो कि 3-4 महीने तक आपको रेगुलर मैसेज भेजते हैं, आपको ईमेल्स भी करते हैं, आपको कॉल्स भी करते हैं, तो हर एक कंपनी का एक प्रोसेस होता है जिसमें वो कई बार 3-4 महीने तक, कई बार 1-2 महीने तक आपको फॉलोअप करते रहते हैं। तो फॉलोअप मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेल को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि क्लाइंट जो है वो इस समय हॉट है और वो इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन करने के लिए। तो अगर आपने फॉलोअप अपना एकदम रिग्रस रखा, ध्यान से आप उनको फोन करते रहे, उन्होंने अगर आपको बोला कि 1 दिन बाद फोन कीजिए तो आपने 1 दिन बाद उनसे टाइम लेके उन्हें फिर से फोन किया और आपने उनको एक फ्री ट्रायल बुक कर लिया। अब फ्री ट्रायल क्या होता है? फ्री ट्रायल का मतलब ये है कि आपने उनको जो बातें बोली हैं अपने जिम के बारे में वो एक एक्सपीरियंस देने के लिए आप उन्हें बुलाएंगे जिसका आप कोई चार्ज नहीं करेंगे। अब फ्री ट्रायल को कैसे मैनेज करना है, क्लाइंट को कैसे बुलाना है, क्लाइंट का टाइमलाइन कैसे सेट करना है और अपने स्टाफ को उनके साथ अलाइन कैसे करना है, ये हम आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और जिम का जो ट्रायल है हम सेल को उसी दिन क्लोज करने की भी कोशिश करेंगे। तो होप है आपको ऑपरेशन सीरीज का ये पहला वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के बाद हम और सीरीज में वीडियोस निकालेंगे जो कि जिम के छोटे छोटे ऑपरेशंस को आपको स्मूथली मैनेज करने में हेल्प करेगा।